मेरा लड़का है अंकित, जिसकी उम्र 32 साल है, वो उसका लेबर कम हो गया हो जा रहा है ऑक्सीजन, और ये कह रहे ऑक्सीजन नहीं है ना बेड है, अब कह रहे यहाँ से ले जाओ कहीं और ऑक्सीजन ले जाओ, बदतमीजी से बोल रहे हैं ये डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले साल 2020 के अंदर नेशनलिटी एक्ट के ऊपर मुसलमानों के एहतजाज को आड़ बनाकर इंतहा पसंद हिंदुओं ने दिल्ली के मुसलमानों पर क़यामत ढाली, उनके दुकानें लूट लीं, घर जला दिए और दर्जनों मुसलमानों को शहीद कर दिया। जुल्म और ये बर्बरियत उन्होंने मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में दिल्ली के मुसलमानों पर ढाई और जुल्म का एक पहाड़ उनके ऊपर बर्पा कर दिया। लेकिन कहते हैं कि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, लेकिन इस दफ़ा देर नहीं हुई और अल्लाह ताला की तरफ से फौरन ही इसका हिसाब बराबर कर दिया गया और कोरोना एक कहर बन के इंडिया के ऊपर टूट पड़ा। मज़लूम मुसलमानों की बददुआएं और आहें रंग लाईं और इंडिया में एक क़यामत बरपा है कोरोना की वजह से। वक्त गुजरने के साथ साथ कोरोना की तबाहकारियां बढ़ती जा रही हैं। इंडिया कोरोना से मुतासर ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया है और वहां एक दिन में 3-3 लाख केस मस्बत रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि मरने वालों में ज़्यादातर तादाद अब नौजवान तबके की है। बहुत बड़ा फ़र्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान जवान बच्चे जा रहे हैं जी, बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के, पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गई, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने ज़िंदगी में कहर नहीं देखा जो मैं आज। और रोज़ाना 2000 से ज़्यादा अफराद वहाँ लुक्मे अजल बन रहे हैं, लेकिन ये इंडिया की रिपोर्ट है, जबकि बैनुल अक्वामी मीडिया बता रहा है कि वहाँ रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं लुक्मे अजल बन रहे हैं और रोज़ाना जो है 20,000 अफराद वहाँ पे कोरोना का शिकार होकर मौत का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है, शमशान घाटों में चिताएं जलाने के लिए जगह नहीं है, वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंसों में लोग तड़प रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लोग हैं तड़प रहे हैं, घरों में लोग तड़प रहे हैं, अस्पतालों ने बाहर अपने बोर्ड लगा दिए हैं कि अस्पताल में जगह नहीं है, बेड दस्तियाब नहीं है, ऑक्सीजन की शदीद किल्लत वहाँ पर हो गई है और अस्पतालों ने हुकूमत को कह दिया है कि हमारे पास 45 मिनट की सिर्फ ऑक्सीजन है, हम 45 मिनट तक ऑक्सीजन मरीज़ों को दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लोग एम्बुलेंसों में लेके, रिक्शाओं में लेके, रेड़ों में लेके अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल वाले उनको दाखिल नहीं कर रहे, वो अस्पतालों के बाहर पड़े दम तोड़ रहे, जगह जगह फुटपाथों पर लोग पड़े हुए और लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जगह बिल्कुल नहीं है। हाँ नीचे किए रात को भारतीय दारुलकूमत दिल्ली समेत शुमाली और मगरबी रियासतों ने नोटिस जारी कर दिए हैं कि कोरोना के मरीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। डॉक्टरों ने मरीज़ों को घर पर ही रहने का मशवरा दिया है। अहमदाबाद के डॉक्टर्स का कहना है कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब और नाजुक है।
उनका कहना है कि ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है, जबकि अमरीकी इदारे ने भी कहा है कि तमाम सूरत हाल सेहत और तंदरुस्ती के निज़ाम के तबाह होने के बाइस हुआ है। भारत में मजमूई तौर पर 2 करोड़ अफराद इस वक्त कोरोना के शिकार हो चुके हैं और हलाक शुदगान की मजमूई तादाद तकरीबन 2 लाख हो गई है। ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवाने के लिए दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ब्लैक में ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने के लिए लोग 1.5-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं एक सिलेंडर के, जबकि अद्वियात, तिब्बी सामान और हस्पतालों में बेड्स की शदीद किल्लत है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाली ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जाए, क्योंकि लोग रास्ते में लूट रहे हैं, सिलेंडर लूट रहे हैं, ट्रकों को अगवा कर रहे हैं जो ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन की बरवक्त सप्लाई के लिए फ़िज़ाइया से भी मदद तलब की जा रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इंडिया के बड़े बड़े अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी का SOS जारी कर दिया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गुज़श्ता दिनों ऑक्सीजन न होने की वजह से 25 मरीज तड़प तड़प कर मर गए। इस तमाम सूरत हाल से ICC को भी शदीद ख़तरा लाहक हो गया है, क्योंकि इस साल अक्टूबर और नवंबर में वहाँ पे शेड्यूल है T20 वर्ल्ड कप और उनकी तशवीश बढ़ती जा रही है। अगले चंद रोज़ में वो अपना वफ़ इंडिया भेजेंगे, जो सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट मेंबर ममालिक के साथ शेयर की जाएगी, जिसके बाद तमाम सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इंडिया की सूरत हाल ऐसी है कि बम्बई पुलिस माइक पे जगह जगह गलियों में ऐलान कर रही है मुसलमानों से कि आप लोग नमाज तरावी और नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हमने सुना है कि तरावी की नमाज़ के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है, तो आप लोग दुआ करें तरावी की नमाज़ के बाद कि मुल्क के अंदर जो कोरोना की वबा फैली हुई है, जो कहर उतरा हुआ है, अल्लाह उसको दूर कर दे। जगह जगह पुलिस वाले खड़े माइक पे मुसलमानों से ये ऐलान कर रहे हैं। अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों, बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करें। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे आप जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज लेती है बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। दोस्तों कुछ चीजें हैं, अहमदाबाद में भी सूरत हाल, गुजरात में भी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। वहां नौजवान तबका दिल, गुर्दे और फेफड़ों, नौजवान तबके के दिल, गुर्दे और फेफड़े फेल हो रहे हैं और ज़्यादातर मरने वालों में 12 साल से 15 साल के बच्चे शामिल हैं। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक ईरान में भी कोरोना की वजह से सूरत हाल इंतहाई नाजुक और ख़राब है, वहाँ लाशों के ढेर लग गए हैं। इंडिया से आने वालों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 15 दिन की पाबंदी लगा दी है कि 15 दिन तक इंडिया से कोई पाकिस्तान नहीं आ सकता, लेकिन ईरान के बॉर्डर खुले हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं और तिजारती सामान भी जा रहा है और आ रहा है। अभी गुज़िश्ता ही दिनों वहाँ तीसरी तिजारती मार्केट का इफ्तिताह हुआ है, जबकि हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी ईरान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान को ईरान के मामलात पर मोहतात और गहरी नज़र रखनी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी ईरान से आए हुए ज़ायरीन की वजह से कोरोना मुल्क में तेज़ी से फैला था और वही कोरोना लेके मुल्क में आए थे ईरान में ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन। इसलिए पाकिस्तान को ईरान आने जाने वालों पे कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि हमारे अपने मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और हुकूमत ने सख्त तरीन पाबंदियाँ लगा दी हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क के भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और जब दूसरे मुल्कों से आएंगे तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर कोरोना से बचना है तो हमें मस्जिद को आबाद करना होगा। मस्जिद जो है वो कोरोना से बचाव की वाहिद जगह है, जहां अल्लाह के घर में कोई वबा, कोई जरासीम, कोई वायरस नहीं हो सकता। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हरमैन शरीफ़ैन के पे लगाई गई नाम निहाद पाबंदियों को ख़त्म करें। हरमैन शरीफ़ैन मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा के अंदर लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए,
2021 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कहा गया था कि मक्का और मदीना दो ऐसे शहर हैं जो कोरोना से बिल्कुल पाक हैं और वहाँ आने वाले लाखों जायरीन जो आए और गए और इबादत की, उनमें कोरोना का कोई भी मरीज़ जो है वो नहीं पाया गया, उनका टेस्ट से पता चला। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ जो उन्होंने इतनी सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उनको ख़त्म करें और लोगों को अल्लाह के घर में जाकर इबादत करने की इजाज़त दें, वरना लोग 2023 का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट्स ज़रूर दें और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।